सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जय श्री राम दोस्तों, मैं डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी, महाशक्ति आयुर्वेद चिकित्सा एवं पंचकर्म केंद्र नर्मदापुरम में आपका स्वागत करता हूँ। आप सभी लोगों को रामनवमी के इस पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे साथ उपस्थित है पंडित शशांक तिवारी जी। नमस्कार शशांक जी। डॉक्टर साहब, शशांक जी जो कि पहले काफ़ी जोड़ों के मतलब बदन दर्द, शरीर में जकड़न से काफ़ी परेशान रहते थे, इन्होंने हमारे यहाँ 5 से 7 दिन पंचकर्म की थेरेपी ली। शशांक जी, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। देखिए, मुझे जो तकलीफ थी वो इतनी ऐसी नहीं थी, लेकिन मैं उसके कारण कहीं ना कहीं दैनिक दिनचर्या में मेरे को परेशानी होती थी। जैसे ऐसा लगता था कि जैसे शरीर में कोई चीटे वीटे काट रहे हैं, जिसको आप कहते हैं ना हल्का सा कुछ खुजान सी, खुजली सी, थोड़ा सा मेरी उंगलियों में सुबह उठने में हल्का सा दर्द सा महसूस होता था। एक शिकायत मुझे जो सबसे बड़ी थी वो थी मेरा बीपी हमेशा बढ़ा हुआ आता था। तो मैंने डॉक्टरों को दिखाया, कई डॉक्टरों के पास मेरे पर्चे हैं, मैंने डॉक्टर साहब को सबमिट किए हैं, यहाँ रखे, मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो उसमें बीपी बढ़ा हुआ आता था, तो सबसे बड़ी जो शिकायत मेरी कमी आई है वो मेरे बीपी में आई है। एक तो वो ठीक हुआ है, दूसरा मेरे को हमेशा ऐसा लगता था जैसे कुछ शरीर में कुछ चल रहा है, तो मैं यहाँ खुजाऊँ या ऐसा करूँ, वो चीज़ में मेरी समस्या का समाधान हुआ है। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं शब्दों में नहीं बता सकता कि क्या हुआ, लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि एक शरीर जिसको आप कहते हैं ना हल्का सा लग रहा है, दिन भर आपको रिलैक्स लगता है, उठने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, नहीं तो सुबह उठने के बाद में 8 बजे उठता था और 9:30 बजे तक ऐसा उनने कहा यार तो आज रहने दो यार, आज मत करो यार ऐसा, लेकिन अब जो उठा सीधे नहाया, खाना खाया और इंस्टेंटली बिल्कुल तुरंत, ये मेरे को एक फ़ायदा हुआ जिसको मैं आप लोगों के साथ बयां करना चाहता हूँ। ये मेरे साथ सबसे बड़ा कहूँ तो ये थोड़ा सा अतिशोक्ति भी कहलाएगा, चमत्कार हुआ, बस ये समझ लीजिए। ये आज मैं आप डॉक्टर साहब के सामने आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे तिवारी जी, आयुर्वेद के लिए? देखिए, मेरी शैली जो है, मैं पंडित रहा, पंडित हूँ, बच्चों को पढ़ाया है, तो मैं एक सहज शैली में कहना चाहता हूँ कि या हर बड़ा महात्मा कहता है जो भी चीज़ होगी करने से होगी, कोई भी हो वो ये बोलेगा, टीचर होगा तो बोलेगा करने से होगा, आयुर्वेदाचार होगा तो करने से होगा। एक बार आप आए उस चीज़ को करें, उस चीज़ को महसूस करें, उसके बाद आप स्वयं समझ जाएंगे कि हुआ क्या। बस यही मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, एक बार आप आए स्वयं इस थेरेपी को कराएं और उसके बाद फिर आपके शारीरिक परिवर्तन को देखिए। कहीं ना कहीं जो मानसिक तनाव मेरे को, मैं बीपी की गोली लेता हूँ सर, डॉक्टर साहब वो कोई सी 20 मेरे को नाम याद नहीं है, तो वो टेलमिकाइन 20 में लेता था, तो उसके लेने के बाद मेरे को बिल्कुल रिलैक्स लगता था कि यार थोड़ा वजन कम, लेकिन अब मेरे को थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, चलने में धकोड़े नहीं आते, मैं आँख बंद करके यूं करता था तो ऐसा लगता था जैसे थोड़ा भारीपन है, वो भारीपन खत्म हो गया। ऐसी बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा तो शायद 25-30 हो जाएंगी, तो मैं मेन बता रहा हूँ ये जो चीज़ें थी, ये सब चीज़ें मेरे को बड़ा रिलैक्स लगा इसमें। और ये जब से मैंने ये थेरेपी कराई है, ये जो डॉक्टर साहब ने की हमारे यहाँ, मेरे को देखो सबके नाम तो नहीं मालूम है, जो मसाज हुआ और डॉक्टर साहब ने सर्वांग स्नेहन किया था, आपको स्टीम दी थी, पत्रपिंड दिया। अच्छा, और दूसरा सबसे मेरे को सबसे ज़्यादा फायदा कैसे हुआ, जो भाप जो गई थी ये छिद्र, अब ये जो स्किन है ना इतनी सॉफ्ट हो गई, अब ये जो भाप से पूरे रोम छिद्र खुल गए हैं और स्किन सॉफ्टनेस, मैं खुद हाथ लगाता हूँ तो ऐसा लगता है कि बहुत सॉफ्ट हो गई है ये। तो जो मेरे को ऐसा लगता था जैसे कुछ चल रहा है या कुछ काट रहा है या फिर कुछ पसीने की एलर्जी, खुजान चलना, ईचिंग होना, वो परेशानी मेरे को खत्म हो गई। ये एक बड़ी जो मेरे साथ दो समस्या, बीपी की, ईचिंग की और थोड़े से तनाव की जो समस्याएं होती थी, वो सब मेरे को बहुत बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है और मैं इसको शब्दों में ज़्यादा बयान नहीं कर सकता। धन्यवाद तिवारी जी, जो आपने हमारे दर्शकों को पंचकर्म के बारे में इतने अच्छे से समझाया। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको कि मेरी समस्या का आपने समाधान किया। जी, धन्यवाद।